डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर नीट एग्जाम। मतलब क्या है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं, फिर सवाल करते हैं। अगर ये लेक्चर पढ़ लिया तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो और चाहे जेई का एग्जाम दे रहे हो, सवाल आपका एक भी नहीं रुकेगा। ठीक, क्योंकि इसको समझ रहे हैं हम कि ये है क्या चीज। तो देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो इसे आप बोल सकते हो कि एबिलिटी टू रेजिस्ट रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो रोटेशनल मोशन है ना, ठीक है, उसको रेजिस्ट, उस पे जो लगने वाला टॉर्क है उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी है ये। मतलब क्या है, जैसे कि मास होता था ना अपना लीनियर मोशन में, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ इक्वेशन बनती है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यानी कि जो फोर्स है उसका रोटेशनल एनालॉगस क्या होता है, टॉर्क। जैसे फोर्स लगाने से चीजों में एक्सेलरेशन आता था, ऐसे ही टॉर्क लगाने से चीजों में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो बचा क्या, एम, एम की जगह क्या आया हुआ है, आई। तो इसका मतलब ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये एनालॉगस है। कौन सा एनालॉगस है, ये रोटेशनल एनालॉगस है अपने मास का। तो जैसे अपने लीनियर में मास होता था, ऐसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बेसिक बात हो गई, बेसिक जानकारी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखा कैसे जाता है, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं हम, आई इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू उसकी एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, जिस भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूंगा, नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब मान के चलो ये एक बॉडी, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से मैंने बॉडीज रख दिए कहीं, यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे रख दी है। ठीक है, इसका मास है m1, दूरी है r1 एक्सिस से। ठीक है, दूसरी बॉडी मैंने यहाँ रख दी है, मास है इसका m2 और दूरी है r2। तीसरी बॉडी मैंने यहाँ रख दी है, मास है इसका m3 और दूरी है r3। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है x x डैश। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट, जो ग्रीन कलर से दिख रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो आप पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, जो इस मास का प्लस इस मास का, वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पहला मास इंटू एक्सिस से दूरी कितनी, आर वन का स्क्वायर, प्लस दूसरा मास इंटू एक्सिस से दूसरी दूरी कितनी, आर टू स्क्वायर, प्लस तीसरा मास इंटू दूरी से यहाँ से दूरी कितनी, आर थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो एंड सो ऑन, अगर और भी होते तो जुड़ते चले जाते। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये भी बात समझ में आती है, यहाँ से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको जोड़ रहा हूँ। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और आर स्क्वायर दूरी की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। ठीक है, समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक है। तो इसी तर्ज पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे के करवाता हूँ, फिर कुछ बेसिक वैल्यूज बताऊंगा, वो याद रख लेनी है, फिर हम सवालों पे चलेंगे और थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतना तो मुझे पता है कि डिस्क्रीट पार्टिकल, मतलब ऐसे कहीं पे पार्टिकल रखे हो ना और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही निकाला जाता है? रेगुलर बॉडी क्या है, देखो ये कोई मान लो आप एक प्लेट दिख रही है आपको, रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, इसको हम लेमिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, अब लेमिना क्या होता है ये समझा देता हूं मैं आपको। लेमिना का मतलब होता है जो बहुत ही पतला हो, जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट बहुत पतली हो, नेग्लिजिबल जिसकी थिकनेस मानते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत पतला सा अपने पास में क्या हो गया, लेमिना हो गया। अब ये लेमिना जो है, इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा सकता है, मान लो सेंटर से बिल्कुल पास हो रही है इसके। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे पूछा जाए कि भाई साहब आप एक काम करो, मुझे इस एक्सिस के अबाउट, बीच में से जो इसके सेंटर से जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो आप बोलोगे कि सर ने तो बताया है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे जोड़ते चलो, लेकिन यहाँ पे तो इसमें मुझे m1 r1 m2 r2 तो दिख ही नहीं रहा,
भाई दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन है इसमें M1R1 M2R2। देखो इस एक्सिस के अबाउट इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं M1R1 square M2R2 square इनफाइनाइट टाइम करता रहूं। ठीक है, क्यों पॉसिबल मेरे लिए क्या है वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर और एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं कि इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं भाई, काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ मान लेते हैं हम एल और इसकी ब्रेथ मान लेते हैं बी। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं, ये हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dx। ठीक है, dx चौड़ाई का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब क्या है ये जो एलिमेंट है ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ मैं, और इसे क्या कर दूंगा, इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से और यहाँ तक, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक काम करता हूँ कि इसका मास जो है, मास जो लेमिना का है, मास ऑफ लेमिना वो मुझे गिवन है m। ठीक है, कितना, कैपिटल m। तो भाई इसका मतलब जो l इंटू बी एरिया में मास है m, तो यूनिट एरिया में मास कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया में मास हो जाएगा m अपॉन l इंटू बी। ठीक है, l इंटू बी एरिया में मास है m, ठीक है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा m अपॉन l इंटू बी, इतना मास होगा यूनिट एरिया में। तो ये जो अपनी चौड़ाई है ये है dx, ठीक है, तो स्ट्रिप के एरिया में मास कितना है, एक्चुअल में मुझे लिखना क्या है, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस स्ट्रिप का। अगर मैं स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूँ तो di से दिखाऊंगा, di क्या होगा, dm इंटू एक्सिस से दूरी कितनी है, x है ना, तो एक्स स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे इंटीग्रेट कर दूं यहां से लेके और यहां तक, तो पूरी की पूरी लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, क्योंकि इसी स्ट्रिप को यहां से इधर घुमाओ और यहां से इधर घुमाओ तो पूरी स्ट्रिप कवर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पूरी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा भाई। ठीक है, तो डी आई इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास में डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ठीक है, तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्ट्रिप का मास लिखना पड़ेगा, स्ट्रिप का मास कितना है डीएम, तो डीएम निकालता हूं पहले, डीएम कितना हो जाएगा भाई, देखो यूनिट एरिया में मास है एम अपॉन एल इंटू बी। ठीक है, इतना ही मास है ना यूनिट एरिया में, कितना मास है यूनिट एरिया में, एम अपॉन एल इंटू बी। तो स्ट्रिप के एरिया में मास कितना हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया डी ए इंटू यूनिट एरिया का मास एम अपॉन एल इंटू बी। क्लियर है भाई, एक यूनिट एरिया में इतना मास है तो स्ट्रिप के एरिया में कितना हो जाएगा, स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब स्ट्रिप का एरिया कितना है, देखो स्ट्रिप की चौड़ाई है dx और ब्रेथ है b, ये वाली लेंथ है b के बराबर और ये वाली लेंथ है dx के बराबर, तो स्ट्रिप का एरिया होगा बी डी एक्स इंटू एम अपॉन एल इंटू बी। तो भाई b से तो b कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में dm जो मास आया वो आया गया एम अपॉन एल इंटू dx। ठीक है, यह आ गया स्ट्रिप का मास डीएम। ठीक है जी, यहां तक तो समझ में आ गई कहानी। ठीक, अब डीएम की वैल्यू रख देता हूं एम अपॉन एल इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पूरे के पूरे किसका, इस लेमिना का, तो क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूं, अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, एक्स देखो कहाँ से कैलकुलेट किया मैंने, बीच वाली लाइन से। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ये दूरी है एल बाई टू और ये दूरी भी है एल बाई टू, तो लिमिट लगेगी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। ठीक है, इंटीग्रेशन हालांकि बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, मैथ्स वालों को तो आराम से समझ में आ जाएगा ये कि माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू क्यों रखी है सर ने लिमिट एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो बच्चे फिर से कि हम इसके अबाउट घुमा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यहाँ से समझो, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने x दूरी कहाँ से ली, यहाँ से, मतलब ये मेरे लिए ओरिजिन है। ठीक है, ये मेरे लिए ओरिजिन है तो इसी से लिमिट रखूंगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है मुझे, यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में मेरा लेमिना कवर हो रहा है। तो यहाँ की लिमिट कितनी है, ये दूरी कितनी है, देखो ओरिजिन से नापो, माइनस एल बाई टू क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हो,
और ये दूरी कितनी है, प्लस एल बाई टू, क्योंकि राइट में जा रहे हो। बस इजी है, बिल्कुल इजी पीजी। चलो भाई आ जाओ, करते हैं फटाफट फटाफट इसको आगे सॉल्व। ये आ गया एम बाई एल, एम कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ लेमिना नहीं बदलेगा, लेंथ ऑफ लेमिना नहीं बदलेगी। इंटीग्रेशन में आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स चेंज हो सकता है, ठीक है। एक्स चेंज क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई देखो एक्स जब ये स्ट्रिप यहाँ है तो एक्स यहाँ है, जब ये स्ट्रिप यहाँ होगी तो एक्स यहाँ होगा, बड़ा होगा, जब ये स्ट्रिप यहाँ होगी तो ये एक्स यहाँ होगा, ठीक है। अलग अलग स्ट्रिप के लिए अलग अलग एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा एक क्या बन गया है, एक एक्सप्रेशन बन गया है, जिसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ एम बाई एल। एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक पावर ऊपर बढ़ा दो और जितनी पावर है उतना ही नीचे डिवाइड कर दो, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दिस इज गोइंग टू गिव अस एम बाई एल, एल बाई टू का होल क्यूब बाई थ्री माइनस माइनस एल बाई टू का होल क्यूब बाई थ्री, ठीक है, यही आएगा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। तो भाई ये आ गया अपने पास में। अब देखो m बाई एल, एल का क्यूब क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है, और एल क्यूब होता है ना एल का क्यूब, और दो का क्यूब होता है आठ, तो आ गया आठ इंटू तीन, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एल क्यूब अपॉन आठ इंटू तीन अगेन, ठीक है। मैथ से सिंपल, माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया m बाई एल, ठीक है, 2l क्यूब बाय 24, l से l कैंसल आउट और 2 से 12 बाय कैंसल आउट, तो आ गया m l स्क्वायर बाय 12। भाई m l स्क्वायर बाय 12 आ गया अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या है, मतलब ये निकला कि, चलो नया डायग्राम बना के समझा देता हूँ, मतलब ये निकला कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसी ऐसी इस तरह की शेप आ जाए, ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगुलर लेमिना जिसकी लेंथ मुझे गिवन हो, लेंथ मुझे गिवन हो L, ठीक है, और सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के लिए अलग अलग आएगा, ये ऑब्वियसली एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक्सिस पे डिपेंड करती है। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा। अरे आसानी तो है देखो ना, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि इसमें ना इसकी बी बी यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई का कोई रोल ही नहीं है, यानी कि ये चाहे कितना ही चौड़ा ट्रायंगुलर लेमिना, ये रेक्टेंगुलर लेमिना हो, चाहे ये एक बहुत पतला इस तरह का रॉड टाइप लेमिना हो, चाहे ये रॉड ही हो, रॉड का भी क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 भी होता है, जब भी बीच में से मतलब कि इस तरह से, यानी कि जो लेंथ मुझे गिवन है, ये एल गिवन है ना, जो लेंथ मुझे गिवन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जब भी पूछा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा एम एल स्क्वायर बाई 12 लिख दूंगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना भी चौड़ा हो कितना भी पतला हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो बी से इंडिपेंडेंट आया अपना फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई 12 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ठीक है, समझ में आ रही सारी चीजें। अब देखो कुछ बेसिक शेप्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हमेशा याद रखना है। अब शेप्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली शेप जो है अपने पास में वो, चलो एम एल स्क्वायर बाई 12 तो आपने समझ लिया, फिर से इसका बता देता हूँ बाकी, ठीक है, इस तरह की आपको शेप नज़र आ जाए कोई भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। दूसरी शेप जो है वो मैं फिर से बना रहा हूँ, इस तरह की शेप होगी दूसरी, ठीक है, चलो अगेन इसी तरह की शेप होगी, ठीक है। तीसरी जो शेप है वो हम मान लेते हैं ट्रायंगुलर प्लेट होगी कोई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है, ओके। अब ये यार एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे कि मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि ये लेंथ अगर एल है, ये लेंथ अगर एल है, एल लिखते हैं इसे, ये लेंथ अगर मुझे एल गिवन है और ये अगर मुझे बी गिवन है, ठीक है, तो मैं L के परपेंडिकुलर या B के पैरेलल, जिसके पैरेलल है ना उसे छोड़ दो, तो B को छोड़ दूंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस बनाई हुई है m l स्क्वायर बाय 12, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं ये लेंथ मुझे गिवन है L, ठीक है, और ये लेंथ मुझे गिवन है भाई B,
अब मैं एल के परपेंडिकुलर, एल के पैरेलल, अगर एल के पैरेलल एक्सिस से अबाउट इसे घुमाऊं और पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो जिसके पैरेलल है ना उसे छोड़ दो, तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। क्यों? क्योंकि जिसके पैरेलल एक्सिस है ना, देखो एल के पैरेलल है, ठीक है, जिसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो ना उसे छोड़ दो। जैसे ऊपर बी के पैरेलल एक्सिस के अबाउट घुमाया था, देखो ये बी रहा और ये अपना एक्सिस रहा, इसके अबाउट घुमाया था अपन ने, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम एल स्क्वायर बाई 12, और एल के पैरेलल एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अगर मैं इसे बेस के अबाउट घुमाता हूँ, ठीक है, इस बेस के अबाउट, ठीक है, इस बेस के अबाउट घुमाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम एच स्क्वायर बाई 6। एच क्या है? हाइट, ठीक है, समझ में आ गया, एच क्या है? हाइट है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, ये बेसिक बेसिक शेप्स हैं। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है, मैं पूछूं आपसे कि मुझे आप एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो रॉड का क्या होगा? देखो ये हो गई अपने पास में कोई एक रॉड, ठीक है, पतली रॉड है ये, ठीक है। अब देखो ये रॉड जो है, अगर इसे मैं बड़ा कर दूं, चौड़ा कर दूं, तो क्या ये तो एक उसी तरह की शेप बन जाएगी जैसा हम रेक्टेंगल देख रहे थे अभी, ठीक है, यानी कि रॉड की लेंथ मान लो एल है, ठीक है, और इसका मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जिसका सिर्फ एक्सिस पे फर्क पड़ता है, शेप छोटी या बड़ी हो, मतलब शेप पे फर्क पड़ता है, साइज छोटा या बड़ा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसकी मास एम है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ है ये चाहे बी हो, एक्स हो, वाई हो, अगर मैं इसके पैरेलल निकाल रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस लेंथ के छोटे या बड़े होने से, क्योंकि इससे तो ये मुक्त है, तो रॉड का बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखना इस एक्सिस के अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसे घुमा दूं, तो देखो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 3। याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉड का, क्योंकि रॉड बहुत काम में लेने वाले हैं हम लोग, पूरे के पूरे चैप्टर में रॉड ही रॉड के बारे में बात की जाएगी, बहुत सारी टॉर्क वगैरह निकाला जाएगा रॉड के अबाउट निकाला जाएगा, तो भाई ये तो याद रख लेना कि एंड के अबाउट रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, और सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट और लेंथ के परपेंडिकुलर होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, बेसिक बेसिक है। अगर मैं स्फीयर की बात करूं, निकाला कैसे जाएगा, सेम वही एक रीजन है, एलिमेंट लेना पड़ेगा एंड देन आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो होलो स्फीयर का जो होता है, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर का जो होता है, सॉलिड स्फीयर का वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट है, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का, ओके। अब ये तो स्फीयर हो गया, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, डिस्क का, ठीक है, तो डिस्क का क्या होता है भाई, देखो वो भी बता देता हूँ। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, इस तरह से एक डिस्क बन गई, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट डिस्क कैसे घूम सकती है, तो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। आर क्या है? रेडियस है भाई, पता है ना, आर तो रेडियस होती है, ठीक है। और रिंग का अगर मुझे पूछा जाए, एक सर्कुलर रिंग का, ठीक है, रिंग का, तो रिंग का मैं बोल दूंगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, स्फीयर का, होलो का 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड का 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये जो बेसिक शेप्स हैं इनका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस डिस्क के ऊपर बहुत सारी डिस्क रख दूं, बहुत सारी डिस्क रखता चलूं, तो क्या ये डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा? क्या ये एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा अगर मैं डिस्क के ऊपर बहुत सारी डिस्क रखता चलूं, तो क्या ये एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ भाई रिंग, अगर मैं रिंग के ऊपर बहुत सारी रिंग रखता चला जाऊं, सोच के देखो, ऐसे एक रिंग रखी हुई है, अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी रिंग रखता चला जाऊं, और ऐसे लेंथ वाइज ऐसे ऊपर से नीचे तक रिंग पटकता जाऊं, तो क्या ये इस तरह का एक होलो सिलेंडर बन जाएगा? तो इसका मतलब
होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग के बराबर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ शेप का फर्क होता है, साइज का नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, एक्सिस पे, ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिक थ्योरी? अब देखो यार, ये तो हमारा बेसिक हो गया बिल्कुल एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग जो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो आपने नाम सुना होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। अब ये दोनों थ्योरम कैसी हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन सवाल करेंगे। देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे पहले ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, बेसिक थ्योरम है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम है, वैसी ही सेम चीज है। ठीक, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो प्लेन में रखी हुई है। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब समझते हो ना कि टू डायमेंशनल बॉडीज पे ही एप्लीकेबल होती है। पहली चीज तो मैंने चलो बताई दी, पूछने वाला था मैं एक्चुअल में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडीज पे अप्लाई होती है। मान लो इसी तरह की कोई बॉडी है, ये किसी प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, प्लेन में रखी हुई है। अगर ये किसी प्लेन में रखी हुई है तो देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका कैसे यूज किया जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। प्लेन में रखी हुई बॉडी के दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना लिया आपने, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको आई एक्स है, इसके अबाउट पता है आपको आई जेड है। तो तीसरी ऐसी एक्सिस, क्या बोला मैंने, तीसरी ऐसी एक्सिस जो बॉडी जिस प्लेन में रखी हुई है उसके तो है परपेंडिकुलर, देख लो भाई, जो ब्लू वाली एक्सिस है जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर नजर आ रही है कि नहीं, और दोनों इन जो दोनों एक्सिस जो है जो प्लेन में है बॉडी के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई एक्स और आई जेड परपेंडिकुलर दिख रही है ना, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ना तो मैं लिखूंगा आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी प्लेन में, अभी हमेशा ये ही ट्रू नहीं है कि आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड होगा, हमेशा ये देख लेना कि कोई एक प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसमें दो एक्सिस हैं परपेंडिकुलर जिनके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई वन आई टू बोल दो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे याद रख लोगे वाई जेड, फिर बोलोगे सर ने ऐसे बताया था, गलत हो गया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक प्लेन ढूंढना है, उस प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ढूंढनी है जिनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, ठीक है, पता है। अब तीसरी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है जो कि जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसके तो परपेंडिकुलर है और दोनों एक्सिस जो परपेंडिकुलर थी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखूंगा मैं आई वन प्लस आई टू, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकता हूं मैं, दोबारा से सुनना और इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में क्योंकि काम आएगा हमेशा। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना, देखो बच्चों, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए जो कि जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर हो, जी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती हो, तो भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना आई वाई, मतलब कि जो भी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है वो होगा अपने पास में जो दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसी प्लेन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर, ठीक। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? ये 3D बॉडी 2D बॉडी किसी पे भी लगाओ, इस पे कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। चलो मैं स्फीयर पे लगाता हूं सबसे पहले, ठीक भाई, ये स्फीयर है, स्फीयर का मुझे सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है कि नहीं होता है, बताओ, पता है आप लोगों को? मुझे तो पता है 2/5 होता है सॉलिड स्फीयर का और जो होलो है उसका 2/3 होता है, ठीक है। ये भैया सेंटर ऑफ मास से गुजरती हुई एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, इसके अबाउट मुझे पता है। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है इससे एक्स दूरी पे कोई एक पैरेलल एक्सिस है ऐसे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अब कैसे निकालूंगा भाई, अब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना आई, ये आई सी बोल देता हूँ,
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस और इसके अबाउट पूछा गया है। तो आई जो होगा ना उसे पता क्या लिखूंगा मैं, आई को लिखूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि जिसके अबाउट मुझे पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस जो मास है बॉडी का इनटू जिन दोनों एक्सिस के अबाउट की दूरी है ना उसके स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कि कोई भी एक ऐसा मानो कि ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट आपको पता है, चलो सेंटर ऑफ मास भी छोड़ो, इसको मैं ऐसे ही आई बोल देता हूँ, आई वन बोल देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म करता हूँ। ये कोई भी एक रैंडम बॉडी है, स्फीयर नहीं है, चलो इसको भी मैं बिना स्फीयर के ही समझाता हूँ, नहीं तो बच्चे क्या है कि एग्जाम्पल्स को ही रट लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ऐसी 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 कोई बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है 3D बॉडी। अब इसकी कोई एक्सिस है येरी, ठीक है, येरी और येरी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लो इसका आई है, ठीक, अब आई वन है, ठीक। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको इसके अबाउट नहीं पूछा, आपको इससे एक्स दूरी दूर एक एक्सिस और है, इसके अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसके अबाउट पूछा हुआ है ना, तो आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इसके अबाउट मान लेता हूं आई है, तो इसके अबाउट आई पता कैसे लिखोगे, सबसे पहले उस एक्सिस के अबाउट लिखोगे जिसके अबाउट पता है, तो लिख दिया, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ये भी याद रखना, प्लस मास ऑफ बॉडी मान लो एम है, और दोनों एक्सिस के बीच जिसके अबाउट पता है और जिसके अबाउट निकालना है ना, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, बस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई। परपेंडिकुलर भी आपको बता दी है, पैरेलल भी बता दी, अब आ जाते हैं अपन सवालों पे। तो देखो पहला सवाल जो है AIPMT 2015 एग्जाम का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखो सवाल में क्या बोला गया है कि 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, कंसीडर एन एक्सिस x x डैश जो कि दिखाई गई है, ये रही है x x डैश, व्हिच इज टचिंग टू शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड शेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x x डैश बताना है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल, बेहद आसान सवाल भाई। ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है, स्फीयर तो समझते हो ना, ठीक है। अब स्फीयर भी हमें अंदर अंदर ऐसे ऐसे करके दिखाया गया है ना, तो मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मतलब अंदर मटेरियल भरा हुआ है तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है जी। अब यार आप एक बात बताओ, ये जो पहला वाला स्फीयर है इसके डायमीटर से पास हो रही है एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ मास से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट पता है मुझे, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है, मतलब इसके अबाउट तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ठीक है, इसका तो पता चल गया। अब इसका कितना होगा भाई, ठीक है देख लेते हैं, और इसका कितना होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक भाई। एक बात बताओ कि क्या मुझे ये पता है कि इसके सेंटर से जो एक्सिस गुजरेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², और सिमिलरली इसके सेंटर से जो एक्सिस गुजरेगी सेंटर ऑफ मास से उसके अबाउट भी होगा 2/5 mr², ठीक है। तो मतलब ये दूरी पता चल जाए तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्यों, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, जिसके अबाउट पता है उसका लिखूंगा, प्लस मास इस स्फीयर का और ये दूरी का स्क्वायर, बस बिल्कुल सिंपल, बेहद सिंपल सवाल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये दूरी का झमेला देखना है कि क्या आएगी भाई, मैंने यहाँ से ऐसे 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 एक और एक्सिस पास कर ली, ठीक। अब भाई रेडियस से और सर्कमफेरेंस की दूरी तो रेडियस के बराबर ही होती है, सॉरी सेंटर से, और यहाँ भी सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी तो रेडियस के बराबर होती है, मतलब कि जो इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस वाले स्फीयर का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा ये स्फीयर ऐसे है, ठीक है, इस वाले स्फीयर का लिख रहा हूँ बाएं तरफ वाले का, इसके अबाउट मुझे पता होता है और इसके अबाउट पूछा गया है, ठीक है, तो इसके अबाउट पूछा गया है ना आई, तो क्या लिखूंगा, जिसके अबाउट पता है वो है 2/5 mr² प्लस मास ऑफ स्फीयर m इनटू दोनों एक्सिस जिसके अबाउट पता है और जिसके अबाउट पूछा गया है ना पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो वो होगा mr², ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई बराबर बन जाएगा देखो 7/5 mr², ठीक, और सिमिलरली इस वाले का आएगा, इस वाले का, ठीक है। क्यों आएगा सिमिलरली, भाई साहब देखो ना, खुद समझ के देखो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पूछा गया है, ठीक है, तो कैसे लिखते हो, इसके अबाउट पूछा गया है ना, तो आई बराबर लिखेंगे जिसके अबाउट पता है पहले वो लिखो, तो 2/5 mr² प्लस मास ऑफ स्फीयर इनटू
दूरी कितनी है दोनों की जिसके अबाउट पता है और जिसके अबाउट पूछा गया है, आर स्क्वायर। तो अगेन ये भी आ गया 7/5 mr². ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश कितना आ गया पहले वाले का, भाई इसके तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है ना, तो ये तो है 2/5 mr², फिर है 7/5 और फिर है 7/5, तो लिख देता हूँ भाई 2/5 mr² ऊपर वाले का प्लस बाएं वाले का 7/5 mr² प्लस दाएं वाले का 7/5 mr², और भाई कितना हो गया ये तो 7 और 7 14 और ये 16 16/5 mr², ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज माय आंसर। तो क्या दिया हुआ है 16/5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं थ्योरम्स को, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान चीज है, एक सवाल जरूर आएगा आपके नीट के एग्जाम में अभी से मान लो, और इवन जेई के एग्जाम में भी। भाई अब देखो दूसरा सवाल जो क्या है, क्या कह रहा है, नीट 2016 एग्जाम का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। देखो कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, डायमीटर है इस बार, देखो रेडियस पहले थी आर, अभी होल जो क्या है उसका डायमीटर आर है, हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर, इसका रिम का मतलब क्या है सरकमफेरेंस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब क्या कहा गया है सवाल में वो समझा देता हूं आप लोगों को, के भाई इस तरह की एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क समझ में आ गई, अब इस डिस्क के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, सेंटर से पास करने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और ये भी गिवन है सवाल में कि यहां से एक आर डायमीटर की रिम काट ली गई है, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है कि यहां से एक पार्ट निकाल लिया गया है इस तरह से, ठीक है, आर डायमीटर का, समझ में आ रहा है आर डायमीटर का, यानी कि अब बड़े वाले रिंग की रेडियस आर है तो भाई ये ऑब्वियसली डायमीटर इसका आर हो गया ना, छोटे वाले की जो कट पार्ट है, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, ये इन्हें बोलते हैं हम कैविटी प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ाई थी मैंने, यहाँ पे भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रिंग का नहीं डिस्क है, तो आई डी बोल देता हूँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो आई डिस्क बोल देता हूँ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, कंप्लीट डिस्क का, यानी कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूं पूरी डिस्क का, यानी कि इस वाले पार्ट का, ठीक है, और प्लस इस वाले पार्ट का, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू जो है वो बराबर होगा आई रेड प्लस आई ग्रीन वाले पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। भाई समझ रहे हो ना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बन रहा है रिंग का, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलके प्लस इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक, आ जाओ जी, बिल्कुल सही बात है, आ गई समझ में हमें। अब क्या करना है, अब देखो अब इंपॉर्टेंट काम करना है, ये आई रिमेनिंग बोल देता हूँ और ये आई, चलो आई इसको रिमेनिंग आर से दिखा रहा हूँ और इसको एक सेकंड ब्लू और रेड से दिखाया हुआ है ना मैंने रिमेनिंग पार्ट को ब्लू से, चलो मैं इसको आई रिमेनिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आई रिमेनिंग, ठीक है, एंड प्लस आई रिमूव्ड, मतलब रिमेनिंग और रिमूव्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमूव था पहले हटा दिया जो उसको वापस इधर लाके डाल दूं तो डिस्क बन जाएगी, डिस्क बन गई तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है भाई, ठीक है, तो रिमेनिंग का मुझे पूछा गया है तो आई रिमेनिंग जो है ना रिमेनिंग का वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस आई रिमूव्ड, ठीक है, अब आई रिमूव्ड यानी कि रिमूव्ड मास, ये है रिमूव्ड मास, अब जो येल्लो कर रहा हूँ ना अब कहानी स्टार्ट होगी इसे समझना, ये है रिमूव्ड मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है मुझे, और एक्सिस मत भूल जाना, एक्सिस किसके अबाउट लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी वाली एक्सिस के अबाउट लिखना है, ठीक है, इसके खुद की सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट नहीं लिखना, तो भाई पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे ये भी क्योंकि डिस्क में से जो पार्ट काटा है ऑब्वियसली वो भी डिस्क ही होगा, तो इस छोटी डिस्क का मास मान लेता हूँ स्मॉल एम,
तो इस छोटी डिस्क का खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना। तो पहले छोटी डिस्क का मास लिखेंगे जो कि स्मॉल एम, फिर छोटी डिस्क की रेडियस लिखेंगे आर बाई टू क्योंकि डायमीटर आर है, समझ गए, डिवाइडेड बाई टू लिखा, ठीक है। ये तो हो गया इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट। अब अगर मुझे इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसकी दूरी कितनी है आर बाई टू है, ठीक है, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या लिखूंगा, इसके अबाउट हो जाएगा पहले जिसके अबाउट पता है वो लिखेंगे, यानी कि एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस मास ऑफ रिंग स्मॉल एम इंटू दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है दोनों एक्सिस के बीच की आर बाई टू, तो आर बाई टू का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड मास, ठीक है। अब यार मुझे स्मॉल एम तो पता ही नहीं, स्मॉल एम को क्या लिखूं मैं, ऑप्शन में तो मुझे कैपिटल एम ही दे रखा है, स्मॉल एम तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो स्मॉल एम कैसे लिखेंगे। देखो अब इसके लिए थोड़ी सी अपने को स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी कि हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एरिया में, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना मास था, एम मास था, तो यूनिट एरिया में कितना मास आ जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, इतना मास आ जाएगा, ठीक है। अब अपनी रिंग का एरिया कितना है, जो ये कटी हुई रिंग है जो अपन ने निकाला ये पार्ट, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो इतने एरिया में कितना मास होगा, इतने एरिया में इतना ही मास होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो यूनिट एरिया का मास है। अब अपनी रिंग का एरिया कितना है, पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितना मास हो गया अपनी रिंग में, मास ऑफ रिमूव्ड मास लिख देता हूँ, चलो इसको मैं रिमूव्ड मास, क्योंकि इसी का रिमूव्ड का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसको रिमूव मास। तो भाई देखो पाई आर स्क्वायर जो बड़ी रिंग थी उसमें मास था एम, जो कि सवाल में दिया हुआ है, यूनिट का निकाला मैंने एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो रिमूव्ड मास कितना है, रिमूव्ड मास को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट रिमूव्ड मास के एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया एम बाई फोर, तो बस कैपिटल एम की फॉर्म में आ गया स्मॉल एम भी, क्या आ गया एम बाई फोर आ गया, तो बस यहाँ पुट कर देता हूँ एम बाई फोर, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम बाई फोर पुट करूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो आई रिमेनिंग जो आएगा वो कितना आएगा भाई, रिमेनिंग जो आएगा वो आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस, अब रिमूव्ड का लिखना है, एम बाई फोर आर स्क्वायर बाई फोर बाई टू प्लस एम बाई फोर आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये आपने सी के लिया है ऑलरेडी, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ इस तरह से, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखना है मुझे एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस, ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई थर्टी टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन, तो यहाँ आ गया एलसीएम टोटल कितना आ गया 32, तो ये बन गया 16 एम आर स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ आएगा माइनस एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, तो भैया 16 में से 3 एम आर स्क्वायर घटा दो 13 एम आर स्क्वायर बाई 32, दिस इज माई आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा है 13 बाई 32 एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो समझ में आ गया किस तरह से करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवालों को। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल्स थे जो मैं आपको समझाना चाहता था, आई होप यहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में डेवलप हुई है वो किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। तो सवाल सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।